शेट्टी साहब ये क्या हो रहा है यार, पीसीबी क्या कर रहा है, चेयरमैन बदली हुआ तो फिर भैया ये नया आ गया यार, इसको समझा के नहीं गए थे। वैसे वो आपका फैसला थोड़ी था, पीसीबी का था, पाकिस्तान की गवर्नमेंट का था। अब ये आ गया जक्का अशरफ, अभी सीट पे बैठा नहीं है, पहले भैया टेंटे करना, बड़ी मुश्किल से तुमको राजी किया। अब ये बोलता है कि हाइब्रिड मॉडल नहीं है, उधर हम नेपाल भूटान से खेलेंगे, भूटान कहाँ से आया, एक नेपाल होगा भैया, सब तय हुआ था, अब गड़बड़ नहीं करो यार, समझाओ इसको। जय भैया काहे को टेंशन ले रहे हो, कुछ भी नहीं होगा, जो हम कर गए वो ही रहेगा, ये अपना रोब जमाने के लिए ऐसा कर रहा है, लेकिन भैया इसकी भी इज्जत का सवाल है, एक आधा मैच और खेल रहा है, खेल लेना सुपर फोर का, पाकिस्तान में श्रीलंका या अफगानिस्तान को खिला देना, ताकि इसकी भी थोड़ी इज्जत बन जाए, नहीं तो भैया इसको कौन पूछेगा, इसलिए टेंटे कर रहा, आराम से मान जाएगा, एक आधा मैच दे देना, अभी मान जाएगा, वैसे अभी कुर्सी पर आने को इसको 2-3 दिन लग जाएंगे, एक आधा मैच दे देना, ठीक है, ये भी चुप कर जाएगा, जान छूटेगी फिर। हाँ शेट्टी भैया, जो आपने खामखा की चपल मार दी उसको तो नहीं बदल सकते, लेकिन इंडिया को मजा जरूर चेकाएंगे, ये ससुरा हमारे देश नहीं आया, अब हम भी देखते हैं भैया ये हमारे बिना कैसे वर्ल्ड कप खेलता है, भैया हम भी नहीं खेलेंगे इंडिया जाके, हम भी भैया बांग्लादेश में जाके खेलेंगे, अभी मेरे को सीट पे बैठने दो फिर मैं बताऊंगा, अभी तो मैंने भैया शुरुआत की है, कुर्सी पे बैठने के बाद सबको पता चलेगा मैं क्या चीज हूँ, बहुत सारे धोखे इन्होंने किए थे माजी में मेरे साथ, मैं उनका बदला लूंगा इनसे। अबे यार पाकिस्तान वालों, जक्का अशरफ मियां फिर आपने नया पंगा डाल दिया यार, नहीं करो ऐसा, खुदा के लिए यार मैच करने दो, होने दो, एशिया कप भी वर्ल्ड कप भी होने दो, ताकि बाबर और मेरी बैटिंग लोग देखें फिर मजा ले यार, अब ऐसा नहीं करो, एक आधा मैच और ले लो पाकिस्तान में करवा लो एशिया कप का, हमारे बस में होता हम भी आ जाते, लेकिन ये आपके पीसीबी चेयरमैन नजम शेट्टी ने पहले ही मान लिया था, अब इसमें हमारा दोष नहीं, अब चुपचाप वर्ल्ड कप भी खेलने आना, ठीक है। कोहली भाई साहब तुम छोड़ो इनको, इनका मसला है ये जाने, हम बैठ के चुपचाप मजे लेते हैं, देख रहे हैं और मजे ले रहे हैं, देखते हैं ये लोग आपस में एक बार फिर लड़ेंगे, देखते हैं अब क्या बनता है, एक आधा ही मैच पाकिस्तान को और मिलेगा और हमारी आवाम भी खुश हो जाएगी, लेकिन जब खेलने का मौका हमको जरूर मिलेगा, एशिया कप भी होगा वर्ल्ड कप भी होगा, फिर हम मुकाबला करेंगे कौन ज्यादा रन बनाता है, बाकी इनको लड़ने दो, जब तक ये इसे लड़ेंगे नहीं इनका खाना हजम नहीं होगा। छट्टी साहब समझाओ इसको, हमने तुम्हारी खातर 4 मैच पाकिस्तान में माने थे, ये ससुड़ा आके भैया लंबी लंबी छोड़ रहा है, एक आधा मैच भी और नहीं देंगे, हमको गुस्सा आ गया ना, 4 मैच में से एक भी नहीं खेलेंगे, पूरा एशिया कप श्रीलंका में ले जाएंगे, फिर भैया ये इज्जत कमाने के चक्कर में और बेइज्जती करवा लेगा, समझाओ इसको, अभी भी टाइम है, समझ जाए वरना बहुत पछताएगा। अबे बस्कर जय के बच्चे, हमें जक्का अशरफ भैया जक्का पलट के रख डालेंगे, ये छट्टी नहीं है जो आपकी बात मान लेगा, अभी भी नहीं होता तो एशिया कप ना हो, बाहर में जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे देश में फिर हम भी नहीं आएंगे, हमारे बिना वर्ल्ड कप खेल के दिखाना, ठीक है, तुम्हारी हम ऐसी बैंड बजाएंगे तुम्हारी फटके हाथ में आ जाएगी, तुम देखते जाओ हम करते क्या है। भाइयों ये केवल एक फनी वीडियो थी, वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना प्लीज।